नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज मैं एक पार्सल ओपन करने लगी हूँ और मैं करने लगी हूँ इसका रिव्यू भी, ठीक है। इसको मैं खोलती हूँ, फिर मैं आपको इसकी बाकी की डिटेल्स देती हूँ, ठीक है। इसको भी मैं ऐसे करके जल्दी से खोल देती हूँ, ठीक है, और फिर मैं आपको डिटेल देती हूँ। अंदर से बाकी भी खाली हो गया, ओके। बॉटल ये क्या है? तो ये नहीं, मैंने तो ये ऑर्डर नहीं किया। ये तो हील्स है। तो गाइस, दिस इज सम टाइप ऑफ या मिस्टेक या स्कैम ही कह सकते हैं। नहीं, इशू मैंने ये भी मंगवाई थी और मेरा साइज भी नहीं है भाई ये। तो ये इसके अंदर से पता नहीं क्या निकला, आई डोंट नो। ये मैंने एक पेज है इंस्टाग्राम से, ZNOLY ऑफिशियल, ठीक है। दे अप्रोच्ड मी, उन्होंने मुझे कहा कि आप हमसे कुछ ऑर्डर करें, वी विल गिव यू अ पीआर। तो शाने एक सेकंड क्वाइट, ठीक है। तो उन्होंने कहा आप हमसे कुछ ऑर्डर करें तो हम लोग आपको एक पीआर भेजेंगे। आई वाज लाइक ओके, तो मतलब किस तरह की शॉपिंग वगैरह करनी है और आप लोग पीआर में क्या सेंड करेंगे। उन्होंने कहा हम आपको ज्वेलरी भेजेंगे, तो आई वाज लाइक ओके फाइन। तो मैंने ना उनसे एक पेयर ऑफ शूज़ ऑर्डर किए थे, ठीक है, ब्लैक कलर में। मैं इसके बाद उसकी एक पिक्चर अटैच कर दूंगी और जो भी मेरी उनसे चैट थी ना, मैं वो भी अटैच कर दूंगी। सबसे पहले तो मैं सेलर को कांटेक्ट करती हूँ, इससे पहले आई विल सी कि वो क्या इसका रिप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उनकी चैट, उनसे मैंने एक वो ब्लैक शूज़ ऑर्डर किए और साथ मैंने उनसे ऑर्डर की थी एक ज्वेलरी सेट था उसमें, और रिंग थी और इयर रिंग्स थे, है ना। वो भी नहीं ना आया, नहीं वो आया ही नहीं है, वही तो उसकी जगह ये गंदी सी चीज़ निकल आई है। तो अब मैं उनको पूछती हूँ, एक तो ये 13 डेज बाद मुझे डिलीवर हुआ है, लाइक 13 डेज। उनको मैंने पूछा आप इतनी लेट डिलीवरी, उन्होंने कहा 6 to 8 डेज में होगी, जब 5 डेज में मुझे नहीं आया। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारी डिलीवरी 6 to 8 डेज है। वॉज लाइक ओके, तो अब ये मुझे 13 डेज बाद ये मजाक रिसीव हुआ है, ये इतनी पेंडुआ वाली जूती, इतनी हल्की क्वालिटी की, ये क्वालिटी इसकी चेक करें, ये ऐसा लग रहा है कागज़ लगा के आपने दे दिया। और ये 3350 की है, ठीक है, ये कार्टूनों वाली जूती, और वो भी इतनी गंदी क्वालिटी, ऐसा लग रहा है यहाँ से ये निकली हुई है। मेरा तो साइज़ भी नहीं है, आपका है, आपका शायद फिर भी हो, मेरा तो बिल्कुल नहीं है और बहुत ही गंदी क्वालिटी की है, थर्ड क्लास है। ज़ारा की है? नहीं ना, ज़ारा तो नहीं है, पता नहीं हर्मेस का है, कोई ब्रांड है हर्मेस, जो भी है, लेकिन ये जूती तो थर्ड क्लास है। हाथ लगा के देखो, ऐसा लग रहा है कागज़ लगा के दे दिया। तो बहुत अच्छा ब्रांड है उसको, पर मैं एक सेकंड गाइस चेक करने जा रहा हूं। नाम भी मेरा लिखा है, एड्रेस भी मेरा लिखा है, नंबर भी मेरा लिखा है, और ये बिल भी लिखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। नंबर छुपा के बाकी तो देख ही नहीं, तो खैर है। ये गाइस टोटल बिल लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 3350। ऊपर मेरा नंबर वगैरह लिखा हुआ है तो इसलिए मैं वो नहीं दिखा रही, और ये लिखा हुआ है ये मेरा नाम। ये हील की क्वालिटी देखो, वो तो मैं तो देख ही नहीं हुई, इतनी गंदी है, और इसके ऊपर का क्या सीन है, नाम की स्पेलिंग में मेरे गलत लिखे हुए, ZB गैलरी कराची, फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है इस पर। खैर इन्होंने अपना आयल कॉल एंड चेक के ये क्या सीन है, आप लोगों ने मुझे ये क्या भेजा है, ठीक है। लेकिन एक आप खुद बंदे को अप्रोच करो, उसके बाद आप उसको ऐसी ऐसी थर्ड क्लास चीज़ भेज रहे हो, खुदा खौफी नहीं है लोगों में। मैं बिल्कुल सही से रिव्यू देती हूँ भाई, पैसा लगाए हैं ये नीचे से चेक करें, ये इतनी लोकल जूती है, मतलब आपने इसका 3350 रुपये लिए हैं। हे गाइस, मुझे बहुत शदीद किस्म का गुस्सा आ रहा है, आई विल जस्ट गो एंड कॉन्टेक्ट द सेलर, ठीक है, वो इसका क्या जवाब देते हैं मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगी बाकी। अच्छा गाइस, तो मामा ने मुझे कहा कि यहाँ पे ही कॉल करो, ठीक है, मैं आप लोग को भी सुना देती हूँ कि वो क्या कहते हैं, सही है। तो आई जस्ट मेक अ कॉल, आई डोंट नो ये नंबर भी उन्होंने सही दिया है कि नहीं। ओके गाइस, मैं कॉल कर रही हूँ, स्पीकर पे रखूँ।
नंबर दिखा दूँ कैसे आपको, आप लोग इनको कॉल करके तंग करिएगा। पहले ऐसे मुझे डाउट हुआ भी था एक दफ़ा, इतने दिन नहीं आया था ना जब पार्सल, तब हुआ था। नो आंसर गाइस, नो आंसर। एक दफा दोबारा ट्राई कर लेते हैं। नहीं उठा रहे गाइस, तो मैं इनके इंस्टाग्राम पेज पे इनको मैसेज करती हूँ, उसके बाद आई लेट यू नो गाइस कि इन्होंने क्या रिप्लाई किया मुझे। नो जवाब, तो मैं इनको भी मैसेज करती हूँ और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि फॉलोअर्स कैसे हैं, कितने बढ़े हैं, पता नहीं किस तरह बढ़े हुए हैं। तो मैं आप लोगों को फिर बताऊंगी कि इन्होंने क्या जवाब दिया। फिलहाल मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, मैं इन लोगों से बात करती हूँ, देन आई लेट यू नो, रेट कर दूंगी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे ऐसे सच्चे सच्चे रिव्यूज आप लोगों को देखने हो, तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। कॉल करके ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।